अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। ऐसा लगता है 1313 ने आप सबकी कॉमन मेमोरी चुरा ली। अरे पापा, वो मेरे रेंज से बाहर चले गए। इसने तो मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा बसर। अब क्या करेंगे हम लोग? अपने बेटे को तो बचा लिया है मैंने, अब अपनों को किसी भी तरह सही सलामत मैं वापस लेकर ही आऊंगा। पिछली बार मैंने तुम लोगों को घर जाने दिया था, लेकिन इस बार किला ऊपर, और सबसे पहले मैं उसे ऊपर भेजूंगा जिसे एलियन सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, मिसेस भैरवी भट्ट। अरे आई डोंट बिलीव दिस। सबसे पहले उन्हें मैं तुम्हारे हाथ भिजवाऊंगा। थैंक यू, नो रिटर्न भाई साहब। वैसे भी मैं सबके हाथ बटाती रहती हूँ, तो उन्हें मेरे हाथ की जरूरत भी है। मेरा भाई हेमंत है ना, उसे मेरे हाथ से बनी रोटी बहुत ही ज्यादा पसंद है। भैरवी, ये क्या बोलती हो? मैं ये तुमको हाथ के साथ ले जाने को बात नहीं कर रहा है। अरे ये तुमको चोले का ठाकुर बनाएगा, शॉल भी नहीं उड़ाएगा, क्या बोल रही हो तुम? यहाँ पे नहीं आते, हमें कुछ भी करके सीलियन को संभालना होगा। एक घंटे के अंदर अंदर अगर 9211 उस वेदर कंट्रोल मशीन को रिपेयर करके यहाँ नहीं आया तो तुम्हारी सिर्फ लाश यहाँ से जाएगी। और याद रखना, मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। बस मैं इतना इतरा क्यों रहे? मैं भी जो बोलती हूँ वो मैं करती हूँ। एक दिन मेरी बाँ ने मुझसे कहा था कि जा चकूड़ी चने भिगो दे, लेकिन मैंने नहीं भिगोए। लेकिन इसमें तो ऐसा हुआ कि तुमने नहीं किया। हाँ, लेकिन मैंने थोड़ी ना कहा था कि जा चकूड़ी चने भिगो दे, वो तो मेरी बाँ ने कहा था जो मैंने नहीं किया। मैंने आपको क्या बोला कि जो मैं कहती हूँ वो मैं करती हूँ? ये थोड़ी ना बोला था कि जो मेरी बाँ कहती है वो मैं करती हूँ। प्लीज अवॉइड हर, प्लीज चुप रहो प्लीज। एक मिनट, उलझाओ मत मुझे। अब तुम्हारे हाथ भेजना कैंसिल, अब मैं तुम्हें पूरा का पूरा पार्सल करूंगा 9211 एंड कंपनी को। तो बराबर तो बराबर चुप रहो प्लीज। किसी का फोन नहीं लग रहा है, ना चकुड़ी का लग रहा है, ना बाबा का, ना ऐना का। बोले भाई, आप ऐसा ढीला मोड़ा करके मत बैठिए। 12 बजे आपके मुंह पे से घड़ी बंद हो गई है, थोड़े 12:15-12:30 बजाइए ना भाई। कैसे करूं बावड़ा भाभी, जब से मारे को पता लगा है कि वो बहरूप के हमारे मानव का रूप लेकर। ए देखो, मानव भी आ गया, 100 साल जिए। सौ साल क्यों, ये तो 1000 साल जिएगा पावड़ा भाभी, क्योंकि ये है तो एक एलियन ही ना। बेटा तो कब का मर चुका है बावना भाभी, मैं उसे बुलाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन ये आ गया उसका मुखौटा पहनकर। अब ये जब जब हमारे सामने आएगा ना, मारा कलेजा यूं ही फटता रहेगा। सॉरी पापा, आई मीन ओझा अंकल। मानव, मुरली भाई, एक सच्चाई सामने आ जाने से हर एक संबंध, हर एक संबोधन बदल गए। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच ही बदल गया भावना भाभी। मैं क्या करूं? मानव, वो सब बाद में भावना का,
बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी। वसंत भैया मानो कुछ पता चला? कुछ भी पता नहीं चला। 1313 100% हमसे कांटेक्ट करेगा। अच्छा लग रहा है, अब नैपकिन ट्राई करो, ये लो। ये क्या पहना है? ओ गेंडम्मा, ऐसे नैपकिन कोई ट्राई करता है? वो सब छोड़िए मम्मी, भैया की सींग तो उतारिए। बोला ये बकवास शुरू कर दी इसने। क्या सींग? सींग है सर पे है? बैल है ये? तू बैल है हसन, या तू सिंगदाना या मूंगफली कहना चाहता है? हिमन भैया आरती उतारी जाती है, आरती। हाँ, शिशिर, आरती आंटी की सरनेम सिंह ही तो है। हाथ हिल क्यों नहीं रहा है मन? ये उसने हाथ फ्रीज कर दिए। चावल डालिए। इवन भैया चावल नहीं है। अब लॉजिकली बिरयानी है ना, मैं लेकर आता हूँ। मटर और गाजर निकालो। पापा मैं खाऊं पेट में जाएगा। बहुत जश्न मनाया जा रहा है 9-2-11। मानो भैया इसे बातों में हो जाओ। देखो 1313 तुम्हारी लड़ाई हम लोगों से, तो इंसानों को बीच में मत घसीटो। नहीं नहीं मानव, ये हमें घसीट के यहाँ नहीं लाया, ये तो हमें उड़ा के लाया है। अरे भैरवी तुम अब चुप रहने का क्या? अरे एक मिनट में होगा। चोली के नीचे क्या पहनता है? चप्पल। अरे नहीं मैन, वो चोली के नीचे वो पहनता है ना कुर्ता, और क्या पहनता है वो? लहंगा। हाँ वो भैरवी तुम अब चुप रहने का क्या लहंगा? हाँ? बोलो। अरे रोनी लहंगा नहीं, लहंगा होता है, चुप रहने का क्या लहंगा? ओ घोटाला, ये टाइम है तुम्हारा मेरे को करेक्ट करने का, तुम समझा ना? बस तुम लोग कहीं भी शुरू हो जाते हो। 100/100=1। मेरी लड़ाई तुमसे तो नहीं थी, फिर भी तुम बीच में कूदे। तो भैरवी रॉन्ग नंबर है, फोन रख दो प्लीज। तो बराबर। मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। तुम लोगों के पास 1 घंटा है, अगर 1 घंटे के अंदर अंदर तुम वो मशीन रिपेयर करके यहाँ नहीं आए, तो उसके ठीक 15 मिनट बाद तुम भैरवी को खोदोगे। रोनी इसका मुंह बंद कराओ, नहीं तो इसके पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। मेरे को अरे भैरवी मैं अरे भाई साहब मैं इसको चुप कैसे कराएंगा? मेरा हाथ तो वो बा ऐसे वो अरे एक मिनट मैन वो बा टेक माय हैंड को हिंदी में कैसे बोलेंगे? मेरे हाथ को लो। थैंक यू। अरे मैं इसको कैसे चुप कराएंगा, पहले मेरे हाथ को लो। हाथ खोलो नहीं होता रोनी, हाथ खोलो होता है। ये टाइम है तुम्हारा, हिंदी सिखाएंगा अभी, तुम समझे ना? ये टाइम है सिखाने का, तुम समझे ना? उम्मीद है 9-2-11 तुम समझ गए होगे कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है और तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। मैंने इसकी बैकग्राउंड इमेज और इसकी आसपास की आवाजों को रिकॉर्ड कर लिया है, इसके आधार पर हम इसकी लोकेशन ट्रेस शुरू कर सकते हैं। शाबाश बेटा शाबाश। अब सुनो, हमारे सुपर पावर्स के साथ साथ
ह्यूमन लॉजिक का भी हम इस्तेमाल करेंगे। और ह्यूमन लॉजिक ये कहता है कि हम 1313 को ये विश्वास दिलाएंगे कि वेदर कंट्रोल मशीन हमने रिपेयर कर दी। 2015 वो जो लोकेशन की जो इमेजेस थी वो हमारे ब्रेन में ट्रांसफर करो। क्या किसी को समझ में आ रहा है कि ये लोकेशन कहां का है? अरे राजस्थान एक्सप्रेस, ए लाजो थोड़ी ऐसे हेमखेम हो गई है, समझ रहे ना? तो आप भी अपना उपवास छोड़िए और मुख में मुखवास डालिए। चकुड़ी रॉन्ग नंबर है, ये तेरे लिए नहीं है। माँ भैरू नहीं है। अरे हाँ, भैरवी कहीं दिख नहीं रही। तभी मैं सोचूं कि भैरवी के बिना आप अधूरी अधूरी सी क्यों लग रही है। अरे अधूरी तो हो ही जाऊंगी ना वो डफोड़मती के बिना। वो भी घूमेश्वरी हो गई है, उसे भी घूमने का बड़ा शौक चढ़ा है। वो मितेश को ट्यूशन में से लाते वक्त वहीं से घूमने चली गई वो ऐना के साथ। कहाँ बाबा? आबा। आप सब लोग इतने टेंशन में क्यों है? ना भाई ना होए, सुला जो तू पण। अरे वो तो कल वाली टेंशन है। वो क्या हुआ कि तू कल हॉस्पिटलेश्वरी हो गई थी ना, तो हम कल सब टेंशन में आ गए थे। तू क्या बोल रहा था बाबा? मैं बोला पहले लाजू काकी को ठीक कर लेते हैं, टेंशन में बाद में आ जाएंगे। हाँ। सेम मजा आएगा। हाँ, क्योंकि मुरली भाई कहते हैं ना कि अगर कोई चीज हमारे काम में ना आए तो भी उसे रख लेना चाहिए, बाद में काम में आ जाएगी। तो कल की तेरी टेंशन हमने संभाल के रख ली थी। के भावना भाभी, आप भी ना कुछ भी। हाँ तो लाजो, मैं तो मैं ही रहूंगी ना। देख, तू हमारे टेंशन की टेंशन मत ले। हाँ, तुझे आराम करना चाहिए, ऐसे मुरली भाई से थोड़ी सेवा करवा। वैसे भी 2 महीने बाद तेरी बाईपास सर्जरी करवानी है, और अभी तो वो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन भी होता है। ऐसे हाई क्लास ऐसे हाथी का दिल लगवा देंगे तुझे। हाथी का मतलब कांगारू का। अच्छा, न तेरा न मेरा, इंसान का। इंसान का ही लगवाएंगे। हा, तू चिंता मत कर। अरे ओ राजस्थान एक्सप्रेस, यहाँ बैठे बैठे क्या भैराव की बातें सुन रहे? लेके जाओ भाई, उसे आराम की जरूरत है उसे। चलो राजू आराम से। हाँ आराम। बस बस बा, कहीं इलाजों ने सुन लिया ना तो किसी को भी जरा भी मजा नहीं आएगा। बा भरोसा रख बा, अपनी भैरू नितेश रोनी है ना, सब हेमखेम आ जाएंगे बा। और देखना, ये घोटाले ही उन्हें हेमखेम लेके आएंगे। हाँ, लेकिन वो खतरनाक एलियन, वो क्या नाम है उसका, कुछ आप चुकनियाल नंबर है ना उसका, वो 1313, कहीं वो मेरे बच्चों को परेशान तो नहीं कर रहा होगा ना? जवाब नहीं मिला तो मेरी बाकी तरह चुप होके बैठ गए? अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा हूँ, रोनी से समझाओ वरना। श्योर सर। रोनी भैया, अब आप ही इंसाफ कीजिए। ये कहते हैं कि दीवार के आर पार हो सकते हैं। तू जा सकता हूँ मैं? तो इसमें इतना घमंड क्यों कर रहे? मेरे छगनलाल मामा जब जेल में थे ना। क्या? अरे छगनलाल मामा जेल में थे, क्या किया उन्होंने? कुछ खास नहीं है ना, बैंक वालों की बदमाशी थी। हुआ क्या कि हमारे गांव के बैंक में एक बार छगनलाल मामा 1,00,000 रुपए विड्रॉ करने के लिए गए। बस उनका कसूर इतना था कि वो बैंक में उनका अकाउंट नहीं था। इतनी सी बात पे
वो बैंक वालों ने पैसा देने से मना कर दिया। अब तुम ही बता, मजबूर होके उन्हें गन दिखाने की जरूरत पड़ती है ना। वाकई में बहुत गलत हुआ मामा जी के साथ। तो बच्ची, तो जब वो जेल में थे तो एक बार वो दीवार के आर पार हो गए। दीवार से आर पार? हंसते बड़ी। मामा जी के पास सुपर पावर्स थे। उन्हें दीवार के आर पार जाने के लिए सुपर पावर की जरूरत नहीं है, इसके लिए तो एक लोहे का सलिया ही काफी था। उन्होंने लोहे के सलिए से दीवार में एक होल किया और उसके आर पार चले गए। उसे दीवार से आर पार जाना नहीं कहते, उसे होल से आर पार जाना कहते हैं। क्यों नहीं कहते? होल भी तो दीवार में ही है भाई साहब। अरे भैया, दीवार देखो, वो इसको चुप करो। अरे दादा नहीं टिकेंगे। हम सब मरने वाले। अरे मैं हमारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरा से तेरा भैया की बात कर रहा हूँ। लगता है वो ज्यादा नहीं टिकेंगे। हमें बचाने के लिए किसी को आने की जरूरत नहीं, उनके लिए तो मेरी मम्मी का। बस। तू था यू? मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझे बातों में उलझाना चाहते हैं, ताकि 87 स्क्वायर और शरद अपनी मानसिक तरंगों से आप लोगों से कांटेक्ट करे और आप लोग उसे यहाँ का लोकेशन बता दो और फिर वो सारे लोग आके यहाँ पर मुझ पर धावा बोल दे। मैं जानता हूँ, मगर अफसोस ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस पूरे एरिया को मैंने इस तरह से सिक्योर किया है कि ना ही यहाँ पे शरद की मानसिक तरंग के अंदर आ सकती है और ना ही शिशिर का भोजन पा। इसलिए अगर आज मेरी मांगे पूरी नहीं हुई तो पता है क्या होगा? नहीं पता। जानती हो, अगर उसको ऊपर से नीचे फेंकूंगा तो क्या होगा? भाई साहब प्लीज मेरे बच्चे को नीचे मत गिराना, उसके कपड़े एकदम नए हैं। राकेट था। हाँ प्लीज अंकल, प्लीज मुझे नीचे उतारिए। भैरवी, ओ भैरवी, तुम्हें मितेश के कपड़े की पड़ी है, मितेश की नहीं? अरे हाँ, कपड़े तो नए आ जाएंगे, लेकिन मेरा मितेश नया नहीं आएगा। भाई साहब प्लीज मेरे बच्चे को नीचे मत गिराइए। प्लीज मम्मी, प्लीज भाई साहब, प्लीज मेरे बच्चे को नीचे उतार दीजिए। प्लीज पर तुम सब लोग मिलकर अपने पत्थर वाले भगवान से प्रार्थना करो कि मेरा काम जल्द से जल्द कर दे 9211 उर्फ वसंत घोटाला। तुम क्या कर रहे हो मम्मी? अब क्या 2015 भैया को 2015 कह के बुला रही है? अरे हेमंत, हमने अभी तक इसका इंसानी नाम नहीं रखा ना, तो प्यार से कोई नाम दे के बुलाइए ना 2015 भैया को, जैसे कि गन्ना। ये फ्रूट लगता है हा? गन्ने जैसा ऐसा लंबा सीधा। अरे बेटा गन्ना नहीं होता, मुन्ना होता है, मुन्ना। हाँ। पापा गन्ना भी रख सकते हैं। गन्ना क्यों? लोग अपने बच्चे को चीकू कह के नहीं बुलाते, और चेरी कह के भी बुलाती है 7 नंबर वाली आंटी अपने बेटे को, तो हम 2015 भैया को गन्ना कह के क्यों नहीं बुला सकते? करेक्ट हेमंत, वेरी स्मार्ट। अच्छा गन्ना बेटा। वाह, एक मिनट मम्मी, 1313 ने जहाँ से संपर्क किया था मैं वहाँ का रेडियस पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जगह किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। बेटा ये तुम वीडियो देखकर कैसे पता कर सकते? ये पावर मैंने आते समय अर्जित किया था पापा। मैं किसी भी दृश्य को देखकर वहाँ के तापमान के बारे में पता कर सकता हूँ, वहाँ के आसपास की चीजों की कल्पना करके ये पता कर सकता हूँ कि वो जगह कहाँ पर है। पापा, कल्पना के बारे में तो मैं भी जानता हूँ। तो कल्पना के बारे में भी जानता हूँ। कल्पना मिस की बात नहीं कर रहा है वो, कल्पना मिस मतलब प्रीतेश की टीचर। चुप रहे ना गेंडे, इसे जगह पता करने दे। कर कर ये जगह तो कुछ जानी पहचानी लग रही है।